हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स के बारे में। फ्रेंड, जिसमें आप लोग हर एक ग्रेजुएट से हो, फ्रेंड यहाँ पर फार्मा से बिलोंग करते हो, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे सब्सक्राइबर जो थे इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट मुझे मेल किए थे, तो इस बारे में बात करेंगे कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सभी का अप्लाई करने का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड हम लोग डॉक्टर रेड्डीज लैब के बारे में। फ्रेंड, जो हायरिंग कर रही है रिसर्च एसोसिएट बायोनालिटिकल्स के बारे में, रोल में के बारे में फिर आपका देखने को मिल जाता है। डिपार्टमेंट आपका बायोलॉजिकल होने वाला है। ओपन पोजीशन आपका 1 देखने को मिल जाता है। फिर आपका क्वालिफिकेशन आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आपको इस पे और भी जॉब वगैरह को देखना है तो फिर आपको सिंपल आपको इस लिंक को हटा देना है, आपको उसको वापस इस लिंक पर आ जाना है। फिर यहाँ पर देखें तो ओपन पोजीशन, फिर यहाँ पर आपको डॉक्टर रेड्डी की तरफ से फिर मल्टीपल जॉब ओपनिंग यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। फिर ठीक है, फिर आपको इतना सारा ओपन पोजीशन देखने में मिल जाता है। फिर आपको जिस भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग फार्मा से बिलोंग करते हो, फिर यहाँ पर आप लोग इतनी सारी जो भी यहाँ पर कंपनीज आप देखेंगे जॉब रिक्रूटमेंट जो फिर निकाली, आप इसमें आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। फिर ठीक है, सेकेंड फिर बात कर लेते हैं फिर हम बैंक जो फिर हायरिंग कर रही है, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। फिर रोल आपका होने वाला है एसोसिएट इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड एनालिसिस इंजीनियरिंग का होने वाला है। फिर लोकेशन आपका बैंगलोर कर्नाटका का होने वाला, अप्लाई करने सिंपल आपको अप्लाई ना करके अप्लाई कर देना है। थर्ड फिर बात करें फिर आपका जो ओरेकल जो हायरिंग कर रहे हैं फ्रेंड, कैपिटल मार्केट कंसल्टेंट नोटिस पीरियड विद इन 2 मंथ्स, अगर आप लोग फ्रेशर्स हो तो सॉरी आप जॉब करते हो तो अगर फ्रेशर्स हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर इस पर सिंपल आपको अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। कौन कौन एलिजिबल है फिर देखने मिल जाता है आपको, ग्रेजुएट फुल टाइम बी कॉम बी एम एस बी बी ए बी एफ एम बी एफ एम 50% आपका रिक्वायरमेंट है, पी एम बी एफ एम विद स्पेशल इन फाइनेंस 50%, नोट क्लास 10-12 पर आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। आपका रोल जो होगा एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट टेक्निकल का होने वाला है। और यहाँ पर बी कॉम के स्पेशलाइजेशन एम कॉम के लोग यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओरेकल की तरफ से। उसके बाद फिर आपका जो ए पी एस एस डी सी मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो आई एफ देखने मिल जाता है आपको, यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल बी एस सी आपको यहाँ पर एस एस सी इंटर 10-12 के लोगों का यहाँ पर है, एम बी ए बी कॉम एस एस सी आपको यहाँ पर मल्टीपल जॉब रोल देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आपको मोर डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर देना अपने हिसाब से। आप लोग यहाँ पर ब्राउजर भी देख सकते हो इनका पर्टिकुलर जॉब का, ठीक है, जॉब ओपनिंग्स का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं फिर हम लोग विप्रो, तो फिर विप्रो हायरिंग कर रही है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही। लोकेशन आपका चेन्नई का होने वाला है। इसमें आपको किसी भी रोल के लिए किसी भी डिग्री हो एलिजिबल हो इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर अप्लाई के सिंपल आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर लास्ट कंपनी बात करें फिर टेक महिंद्रा जो हायरिंग कर रही, फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक कंसल्टेंट के लिए हायरिंग कर रही। फिर जिसमें आपको देखने मिल जाता है आपको यहाँ पर फुल टाइम और फिर कैसे अप्लाई कैसे करना है। फिर देखने में आपको यहाँ पर 2 पोजीशन देखने को मिल जाते हैं, पोजीशन 1 डायनेमिक प्रैक्टिस डिलीवरी मैनेजर लीड और पोजीशन 2 आपका एसआरई प्रैक्टिस डिलीवरी मैनेजर लीड सॉफ्टवेयर स्टैक, ठीक है। आप इस पर कॉल कर सकते हो या फिर आपसे मेल भी कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो फिर सभी का अप्लाई करने का जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। फिर होप करता हूं वीडियो फ्रेंड अच्छी लगी हुई। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।